हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय मॉम चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। और कुछ अचानक ऐसा सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा प्लान बन गया जिसकी वजह से मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है एक दिन के लिए। तो मैंने घाई में ट्रेन का टिकट निकाला है हम सफ़र का, और मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे को कंफर्म टिकट मिल गया है। और फिर चलते हैं, दिखाते हैं। अभी मेरी ट्रेन है, 2 घंटे में मेरी ट्रेन है, तो चलते हैं, निकलते हैं, दिखाते हैं। और पापा को भी कुछ काम है तो छोड़ने के लिए कोई नहीं आ सकता है, तो मेरे को अब स्टेशन पे अकेले ही जाना पड़ेगा, देखता हूँ फिर। ओके बाय। हेलो गाइस, तो मैं पहुँच गया स्टेशन पे और मेरी ट्रेन एकदम सामने है। हम सफ़र जीवन में कोई हम सफ़र नहीं मिल रहा, लेकिन ट्रेन हम सफ़र ही मिल रही है, इसी में मेरे को मिला था, यही खाली थी एक। और एकदम मैं प्रॉपर जो है 40 मिनट पहले पहुँच गया हूँ स्टेशन पे, और मेरा नसीब की ट्रेन लगी हुई मिली, क्योंकि ट्रेन एक्चुअली यहीं से बन के चलती है इसी वजह से। और मेरा सबसे अच्छी बात है कि मेरा सीट जो है लोअर मिला है, साइड लोअर मिलता तो और मज़ा आता, बट कोई नहीं, अंधेरा अंधेरा तो मेरा। ठीक है, मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ, साइड लोअर नहीं मिला, केवल लोअर मिला। पता नहीं लोग इतना हंसते कैसे, मेरे पड़ोसी है कोई आसपास जो बहुत ज्यादा हंस रहा है, मैं ज्यादा जोर से तो नहीं बोल सकता, लेकिन बिना किसी बात, वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो बंदी अकेले हंस रही है, मतलब कोई भी नहीं है। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं वो भूत वूत वाला सीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, शायद आप लोग को भी आवाज़ आ रही होगी मेरे अगले बर्थ पे ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा रात हो सकता है बहुत डरावना हो, तो अगर मैं ऐसे चद्दर में मुंह डाल के सो जाऊंगा तो वीडियो हो सकता है मैं ना बना पाऊँ रात में, क्योंकि इतना वो अकेले हंस रही है, तो भाई सोना ही मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। और पैसा लगा इसलिए मैं टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तो डर तो मुझे अंदर से बहुत लग रहा है, वैसे ही लड़कियों से थोड़े डरता हूँ मैं, और यहाँ तो हंसने वाली अकेली बहुत खतरनाक। तो मम्मी ने खाना भी दिया मेरे को, और मैं जा रहा हूँ खाने का, मेरे को बहुत भूख लगी, हाँ तो खाना मैं खा रहा हूँ। और सबसे बड़ा सीन ये हो गया कि अब ट्रेन में मतलब जो भी अपना चद्दर वद्दर तकिया वगैरह मिलता था वो मिलने लगा है, मेरे को लगा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपकी बार भी एक चद्दर लेके आया था, और अपना वही पुराना वाला तकिया मिनीसू वाला वो भी लेके आया था, बट अब की बार सीन हो गया कि मिलने लगा। चलो अच्छी बात है, ज़रूरी भी था यार, ये कोविड करके एकदम वो माहौल ख़राब कर दिए थे। तो और जब ट्रेन में बैठ गया तब मैसेज आया कि मिलने लगा, चलिए सही है। ओके मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह हो गई है और बज गए हैं लगभग 9:15 में, मुझे लग रहा है कि पहुंच भी जाऊंगा मैं। और सबसे अच्छा सीन ये हुआ कि रात में वो जो मतलब जो जब मैं स्टेशन पे मतलब जब ट्रेन में चढ़ा था तो वो हंसी की जो आवाज़ आ रही थी, जो लड़की हंस रही थी रात में, वो लड़की बिल्कुल नहीं हंस रही, तो थोड़ा सा वो मुझे डर नहीं लगा, इसलिए मैं आराम से सो गया था। और मैं आराम से सो गया और आराम से उठा भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आराम से एकदम कोई। मैं पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन और मेरा बाल पूरा बिखर गया है, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ के, देखते हैं। और मैंने ब्रश भी नहीं किया है, चलिए कोई नहीं, अब पहुँच के ही करेंगे, ब्रश ब्रश करके सब करके करते। मेरा काम वगैरह तो हो गया और लगी थी जोरों से भूख, तो भूख के लिए सबसे बढ़िया जगह है KFC, तो KFC में आए, ऑर्डर दे दिए हैं, फिर बैठते हैं, फिर यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और फिर 8 बजे की ट्रेन है मेरी, तो जो भी है फटाफट करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 6 बजने को हो गए हैं, 5 मिनट में टूट लगेगा यहाँ, और टेक ओवर ले लेंगे और फिर जाके फिर वहीं से मतलब रास्ते में ही खा लेंगे। तो मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ 8 बजे और अभी बज गए हैं 9, मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैक करा लिया था, थोड़ा सा मैंने KFC से पैक कराया था, आपने देखा ही था, थोड़ा सा मोमोज था और थोड़ा सा नूडल भी है, तो यही सब खाने वालों को खाना, ट्रेन में खाने का मन नहीं कर रहा, उधर से तो घर से लेके आया तो सही था, बट इधर थोड़ा सा वो हो जाएगा,
तो ठीक है, मैं थोड़ा सा डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद सोने ही वाला हूँ क्योंकि थक गया आज मैं पूरा दिन। मैं सोने ही गया जा रहा था तब तक ये बच्चा मेरे को दिख गया। हमने इसके साथ कम से कम कुछ नहीं तो 20 मिनट खेला। लाइट देख के कुछ सो रहा है। ओ भाई 8 महीने का ना। यस, तो मैं पहुंच गया हूँ गोरखपुर और आज एकदम टाइम ट्रेन जो है एकदम टाइम से 7:40 पे एकदम पहुंच गई है। अभी थोड़ा सा लेट होती तो चलता, थोड़ा सो रहे थे, थोड़ा और सो लेते, बट इल्ले ऐसा नसीब मिला नहीं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं घर। वही नहा धो के आराम करेंगे।